हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे मैं अपने के लिए ड्रेस बनाया था, तो फिर ड्रेस तो नहीं, सारी ड्रेस बोल सकते हैं, तो ये वाला ड्रेस बनाया था मैंने। थोड़ा सा नाप का इशू हुआ, बाकी पूरा ठीक ही था, तो ये पोज दे रही थी। तभी हम जा रहे थे तो इसके स्कूल में, पहले जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ का शॉर्ट मैं भूल गई लेना, तो फिर लिया नहीं। तभी घर से जस्ट निकल रही थी तो उसको बोला मैंने, थोड़ा चल के दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, फिर ये दोनों मैं भी तैयार हो गई थी। तो हम लोग गाड़ी में ऑटो में बैठे, तो ये रहा इसके स्कूल का हाथ, थोड़ा सा लिया था शॉर्ट। तो हम लोग अंजलि दे रहे थे यहाँ पे, फिर वहीं पे प्रसाद खाया, फिर यहाँ पे ले गई मैं अपने कॉलेज अवनी को। तो देखी तो कॉलेज में जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसको भी दिखाया हम लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या करते थे, क्या क्या होता था पूरा ये वाला। यहाँ पे कॉलेज पे जाते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पहले जैसा हालांकि नहीं है, बहुत ही चेंज नहीं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ पे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था, तो यहाँ पर एडमिशन्स होती, तो यहाँ पर ही यह जगह मैं इसलिए दिखा रही हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, तीन सीढ़ियाँ, तो अभी देखिए पूरा प्लेन हो चुका है। तो यहाँ पे एडमिशन्स वगैरह होता था, फॉर्म फिलअप्स वगैरह होता था, तो पूरा मतलब याद आ गया कि वैसे ही लगा कि वही टाइम वापस आ गया। लेकिन ये वाला बैकयार्ड पूरा चेंज हो चुका है, पहले ये सब मैं एरिया नहीं था, ये सब ग्रासेस था। पूजा यहाँ पे होती थी, सरस्वती पूजा, और तो अभी इस टाइम मैंने देखा कि अलग जगह पे हो रहा है। तो पहले जहाँ पे लाइब्रेरी बिल्डिंग थी तो वहाँ पे हो रही है पूजा, तो यज्ञ होता है एक तरफ और एक तरफ पूजा होती है। तो मैं और अवनी यहाँ से चल के जा रहे थे, तो देखिए हमारा कॉलेज थोड़ा सा, तो वो वाला जो दिख रहा है होम, ये हम लोग का कॉमन रूम हुआ करता था। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे पूजा की तरफ आ गए, तो यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी पहले, और उधर है साइकिल स्टैंड या बाइक स्टैंड, कार स्टैंड, जो भी बोलो। और यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था राउंड करके, उधर एक रिंग बना हुआ था, वहाँ पर हम लोग बैठते थे कभी कभी। तो यहाँ पर ये जगह समझ भी नहीं आ रही कहाँ पे, ये फ्रंट में है, तो ये रूम नंबर 1 की तरफ हम लोग जा रहे थे, उसको दिखा रहे थे कि यहाँ पे क्लास होता था हम लोग का। तो ये देखिए यहाँ पे 3-4 सीढ़ियाँ थी पहले, इतनी ऊंची ऊंची जगह थी, ये बहुत ऊंची थी ये रूम्स, मतलब ये जो है पूरा बहुत ऊँचा था, अभी देखिए कितना डाउन लग रहा है। तो ये यहाँ पर हमारी क्लासेस होती थी, जब मैं अवनी को दिखा रही थी तो वो देख रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी। तो कहाँ पर हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, टाइम पास कर रहे थे, सब कुछ बोल रही थी मैं उसे। और हम लोग का इधर एक रूम नंबर 1 बोल के एक बहुत बड़ी गैलरी सी रूम है, वहाँ पे उसको ऑडिटोरियम जैसे बना दिया है, उसको भी दिखाया मैंने थोड़ा सा। तो ये बहुत खुश हो गई अपनी, और थोड़ा सा इसको मैंने पोज करने के लिए बोला कि मैं इसका फ़ोटो लूँ, लेकिन ये देखिए ये अपना ही अपने में मस्त है, कुछ इयररिंग्स का इशू बोल रही थी। तो ये कॉलेज में जाकर बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है लाइफ का। यहाँ पर अवनी को थोड़ा सा फ़ोटो खींचने के लिए मैंने बोला था, तो फिर तो यहाँ पे अभी जाने के टाइम थोड़ा सा शॉर्ट्स लिया था, तो बहुत अच्छा लगा जाकर। ये देखिए फ्रंट का मैंने बाद में लिया एक्चुअली, तो ये फ्रंट है कॉलेज का, तो पहले तो अलग हुआ करता था, अभी पूरा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिया यहाँ पर, तो ये गेट वैसे का ये ही है वो वाला रूम जहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट क्लास हुआ था, मतलब रूम नंबर 1। तो इसको एक गैलरी जैसे बना दिया, तो हॉल जैसा, ये बहुत बड़ा सा क्लासरूम है। तो फर्स्ट ईयर का क्लास हमेशा यहीं पे होता था सभी का लगभग, तो बहुत पुरानी है ये बिल्डिंग, और मतलब ये आसाम टाइप घर जो है बहुत मतलब पुराना है, और बहुत लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये सब नहीं था, ये सब नया करके बनाया हुआ है। फ्रंट में ये केमिस्ट्री लैब थी, जो जहाँ से हमेशा बहुत बदबू आती थी, अभी भी याद है। पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा व्यू आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर अवनी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं उसको घर लेकर जा रही थी, देखिए उसका गुस्सा देखिए। घर में ले जाकर इसको थोड़ी देर फ्रेश फ्रेश किया, फिर बाद में हम लोग फिर से निकले अवनी के फ्रेंड के साथ और उसकी मम्मी के साथ, हम लोग थोड़ा सा घूमने गए। तो ये स्कूल में गए थे, तो यहीं पे हम लोग का सरस्वती पूजा वाले दिन घूमना ख़त्म हुआ।